नमस्कार मित्रों, मैं अलर्ट इंडिया समाचार लखनऊ उत्तर प्रदेश से आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि ये वही लुलु मॉल है जिसमें काफ़ी वर्षों से काम चल रहा है और अब ये बनकर तैयार हो गया। पिछले 10 जुलाई को माननीय योगी जी ने इसका उद्घाटन किया, जिसका पता बहुत ही कम लोगों को था। इस मॉल की कैपेसिटी के बारे में बात करेंगे। अभी हमारे कैमरामैन आपको मॉल के कुछ दृश्य दिखा रहे थे। इस मॉल की कैपेसिटी ये है मित्रों की 3000 की गाड़ियों की पार्किंग है। अभी हम पार्किंग से ही शुरू करेंगे, फिर भी मैं चाहूँगा कैमरामैन से कि वो दिखाएं कि काफ़ी 1 किलोमीटर आगे तक और पीछे तक गाड़ियाँ खड़ी करने की जगह नहीं है। इस मॉल के बारे में ये भी बताया जाता है कि तकरीबन एक साथ 50,000 लोग शॉपिंग कर सकते हैं और तकरीबन 2400 लोग एक साथ बैठकर खाना खा सकते हैं। मॉल काफ़ी बड़ा है, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। अब ये काफ़ी चर्चित ऐसे हो गया कि पिछले 2 दिन पहले कुछ लोगों ने नमाज पढ़ने की कोशिश किया, हालांकि वो नमाज पढ़े। उसके बाद कुछ हिंदू संगठनों ने काफ़ी इस पर आपत्ति जाहिर किया। आपत्ति के बाद वो लोग कल आए भी थे यहाँ पर, वो लोग सुंदर कांड या हनुमान चालीसा पढ़ना चाह रहे थे, जिसका प्रशासन ने रोक दिया और मॉल के अंदर एक जगह एक बोर्ड लगा दिया कि यहाँ पर किसी भी तरह की धार्मिक गतिविधि या पूजा पाठ करना मना है। मॉल के अंदर इन सब गतिविधियों को बंद करने के बाद यहाँ के पुलिस प्रशासन काफ़ी चौकन्नी हो गई और आप देख सकते हैं चारों तरफ पुलिस ही पुलिस है। तकरीबन 1 किलोमीटर के अंदर अगर कोई इस तरह की कोई गतिविधि करना चाहे तो भी नहीं कर सकता है। मॉल काफ़ी अच्छा है, ये सब अगर कहें तो विकास का परिचायक होता है। काफ़ी विकास हुआ है, हालांकि छोटे मोटे दुकानदार इससे रोते भी हैं। विकास के परिचायक में योगी जी ने आकर अपने उदार दिल का परिचय दिया, इसका उद्घाटन किया। यहीं 1 किलोमीटर दूर नीलमथा और विजयनगर के मार्केट में जाएंगे तो आज सन्नाटा पसरा हुआ है। यहाँ मॉल में शॉपिंग करने के लिए लोग बहुत दूर दूर से आ रहे हैं। मऊ, आजमगढ़, गाजीपुर, बाराबंकी, फैज़ाबाद से भी लोग आ रहे हैं। इनकी सुरक्षा के लिए और किसी भी तरीके की यहाँ पे कोई दिक्कत ना हो किसी को शॉपिंग करने में, काफ़ी भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है। यह मॉल अंसल और आवास विकास योजना के ठीक बीच में उपस्थित है। यहाँ पर जगह की कोई कमी तो नहीं है, लेकिन शायद इनको पार्किंग और बढ़ाकर बनानी चाहिए थी, क्योंकि ये 3000 गाड़ियों की पार्किंग भी यहाँ पर कम लग रही है। साथ ही थोड़ी दूर पे स्टेडियम के पास फिनिक्स पलासियो मॉल है। हालांकि लोग बता रहे हैं कि वहाँ पहले से काफ़ी कम खरीदारी हो रही है, काफ़ी कम लोग जा रहे हैं और वैसे भी लोगों को तो विवादित फिल्म हो या विवादित जगह वहाँ ही जाना पसंद होता है, चाहे माहौल कुछ भी हो। तो आज उसी माहौल में लोग यहाँ पे आ रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा भीड़ है। लोग खरीदारी भी कर रहे हैं, काफ़ी दूर दूर से लोग देखने भी आ रहे हैं कि आखिर लुलु मॉल है कैसा, जिसके खुलते इतने विवाद हो गए। क्योंकि मॉल खुलने पर विवाद बहुत कम जगह देखा जाता है और शायद हिंदुस्तान में ये पहली बार हुआ है कि मॉल खुलने पर भी कोई विवाद हो जाता है। एक ये भी किंवदंती है, पता नहीं क्या सत्य है, अभी हमने पता नहीं किया है कि मॉल में 80% रोजगार सिर्फ एक धर्म विशेष या मुस्लिम समुदाय को दिया गया है। यह तो पता करने का विषय है, हमें अभी मालूम नहीं, हम इसके बारे में पता करेंगे। और यह भी एक किंवदंती है या शायद सत्य है कि ज़्यादातर दुकानें मुस्लिम समुदाय को दी गई हैं, जिसपे हिंदू संगठनों को काफ़ी ऐतराज है। इसके बारे में भी हम अगले वीडियो में पता करेंगे और आपको दिखाएंगे इस मॉल की सत्यता का क्या है। कैमरामैन को मैं चाहूँगा कि पूरे मॉल की तरफ दिखाएं और हमारे दर्शकों को भी देखने को मिले कि ये लुलु मॉल है क्या चीज़ और क्या है। धन्यवाद।